स्वर्गीय सुधीर चंद्र रॉय बाबू जी की जन्मतिथि यानी ज्योति दिवस के मौके पर सहारा वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा आयोजित और सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस द्वारा प्रायोजित छात्रवृत्ति और कौशल विकास प्रशिक्षण प्रमाण पत्र समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि शरीक हुए प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने सहारा इंडिया परिवार द्वारा सामाजिक सरोकारों और रोजगार सृजन की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की भूरी भूरी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि सहारा इंडिया परिवार की सोच बेटी को आज पढ़ाओ कल का भविष्य बनाओ बहुत अच्छी है। सहारा इंडिया परिवार सामाजिक सरोकार के काम में हमेशा आगे रहा है। और मुझे खुशी है कि सहारा इंडिया परिवार के द्वारा सामाजिक सरोकार के अंतर्गत 500 लोगों को छात्रवृत्तियां, सैकड़ों लोगों को प्रतिमांग और तमाम ऐसे लोगों को जो रोजगार उन्मुख शिक्षा या जिसको कहें कौशल विकास का प्रशिक्षण देने का काम संस्थान के द्वारा किया गया है, निश्चित रूप से सामाजिक व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करने के लिए बड़ी पहल है। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री डॉक्टर शर्मा ने सहारा वेलफेयर फाउंडेशन की ओर से 501 निम्न आय वर्ग के मेधावी छात्राओं को 11,000 रुपए के चेक प्रदान किए। साथ ही कौशल विकास प्रशिक्षण के तहत अपना प्रशिक्षण पूरा करने वाले 1500 बच्चों को सर्टिफिकेट भी प्रदान किए। दिव्यांगों की मदद के लिए फाउंडेशन की ओर से सुनने की मशीन और कैलिपर भी दिए गए। उप मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि सामाजिक सरोकार की दिशा में सहारा अंडे परिवार का ये एक श्रेष्ठ कार्य है, इसके लिए वो परिवार को साधुवाद देते हैं। मुझे प्रसन्नता है कि सहारा अंडे परिवार ने रोजगार के क्षेत्र में ये कदम उठाया है और उन्होंने रोजगार के क्षेत्र में इस दिशा में वो आगे बढ़े हैं कि सरकारी स्तर पर भी मिले लेकिन रोजगार के लिए योग्य हो सके इसके लिए कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया है। बच्चे जो स्कॉलरशिप पाए हैं निश्चित रूप में उनको इसकी आवश्यकता थी। समारोह का शुभारंभ मुख्य और अन्य विशिष्ट अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित करने के साथ हुआ। किन्हीं कारणों से समारोह में उपस्थित ना हो सके सहारा इंडिया परिवार के मुख्य अभिभावक परम आदरणीय माननीय सहारा श्री श्री सुब्रत राय सहारा का संदेश पढ़कर सुनाया गया। इस मौके पर उप प्रबंध कार्यकर्ता माननीय ओपी श्रीवास्तव ने कहा कि पूजनीय बाबूजी का आशीर्वाद आज भी बना हुआ है। आज ही के दिन हम सभी के पूज्य बाबूजी का इस धरा पे अवतरण हुआ और आज ये हरी भरी छटा वाला सहारा इंडिया परिवार का जो धरा आप देख रहे हैं इस पूरी धरा के ऊपर पूजनीय बाबूजी और पूजनीय माताजी का एक अटूट आशीर्वाद आज भी विद्यमान है। इस अवसर पर सहारा इंडिया परिवार के उप प्रबंध कार्यकर्ता माननीय ओपी श्रीवास्तव जी और वरिष्ठ सदस्य कुमकुम राय चौधरी द्वारा अतिथियों को पौधा और अन्य तोहफे देकर स्वागत किया गया। इस मौके पर प्रदेश सरकार में बेसिक शिक्षा मंत्री अनुपमा जायसवाल, ग्राम विकास मंत्री महेंद्र सिंह और लखनऊ की महापौर संयुक्ता भाटिया ने भी सहारा इंडिया परिवार की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए समारोह में आए हुए बच्चों को शुभकामनाएं दी। समारोह में मुख्य रूप से उप प्रबंध कार्यकर्ता माननीय जेबी राय जी, श्री अशोक राय चौधरी जी समेत बड़ी संख्या में राजनेताओं, प्रशासनिक अधिकारियों और सहारा इंडिया परिवार के कर्तव्ययोगी साथियों ने हिस्सा लिया। समय के लिए लखनऊ से रजत सिन्हा। ताज़ा खबरों को देखने के लिए जानने के लिए आप हमारे वेबसाइट समय लाइव पर आइए, सब्सक्राइब कीजिए और देखिए। हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपको बिल्कुल लेटेस्ट वीडियोस दिखाएं, लेटेस्ट खबरें दिखाएं और अगर आपको ये पसंद कुछ आया है तो जरूर लाइक कीजिएगा।